फ्रॉग जो है आप जानते हैं बच्चों, फ्रॉग जो है वह एक तरह का एम्फीबियन एनिमल है। और एम्फीबियन जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या खासियत होती है कि एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं बच्चों, बोथ हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब ये कहाँ रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी ये पाए जाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन एनिमल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्फीबियन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग के बारे में हम क्या जानते हैं थोड़ा बताएंगे। फ्रॉग क्या है, एक तरह का ये भी क्या है, टेट्रापॉड है बच्चों, है ना। फोर लिम्ब फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो एम्फीबियंस की जो लाइफ है ना, उसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है ना, श्वसन, श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रॉग में जो श्वसन की क्रिया है वो कुल तीन अंगों के द्वारा संपन्न होती है या कंप्लीट होती है। पहला ऑर्गन है स्कीम, है ना, रेस्पिरेशन बाय स्कीम। पहला स्कीम के थ्रू होता है, त्वचा के थ्रू होता है। और दूसरा होता है लाइनिंग ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी। मतलब इसका जो माउथ का कैविटी होता है ना बच्चों, इसी को ही बकोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं। उसकी लाइनिंग के थ्रू, उसकी जो अंदर की सतह होती है, वहाँ भी डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो चलता है और वहाँ भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो वैसी प्रक्रिया को बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट है लंग्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो तीन तरह से होता है, स्कीम के थ्रू भी होता है, बकोफेरेंजियल भी होता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम जो पहला रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, ये है रेस्पिरेशन। ये स्कीम के थ्रू अगर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो हम ऐसे रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखेगा, स्कीम के थ्रू अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो स्कीम ऑफ फ्रॉग जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। और फ्रॉग जो है वो ड्यू टू एम्फीबियंस मोड ऑफ लाइफ, है ना, दोनों ही लाइफ में, लाइफ जो है कहाँ पे रहता है, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहने में सक्षम है। तब इस पीरियड में क्या होता है, इसका स्कीम है ना, जब वो वाटर में रहता है तब स्कीम जो है वो क्या करता है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए काम करता है और उसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब जो वायवीय एक्सचेंज है, वायु का एक्सचेंज है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, उसका जो एक्सचेंज इनके थ्रू होता है, है ना। तो फ्रॉग में जिस तरह से इनका रेस्पिरेशन जो है होता है, समर में अगर फ्रॉग जो है स्लीप करते हैं, है ना, या इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो जाता है तो उसका रेस्पिरेशन होता है। और विंटर में जब स्लीप पे जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं हाइबरनेशन, है ना। और इनका तब उस समय इनकी स्कीन ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस का काम करता है। मतलब रेस्पिरेशन और हाइबरनेशन के समय जो त्वचा है वही क्या करती है बच्चों, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करती है। और स्कीन जो है फ्रॉग की कैसी रहती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसकी त्वचा जो रहती है वो थिन रहती है, थिन रहेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली सप्लाई बाय द ब्लड कैपिलरीज, है ना, रक्त जो की केशिकाएँ होती हैं, रक्त की केशिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज बोलते हैं उसे ना, वो यहाँ पर पाई जाती है। और जो इसका स्कीन होता है वो कैसा रहता है, उसके म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा नम रहता है। आपने देखा होगा फ्रॉग का जो त्वचा है कैसा रहता है, नम और चिपचिपा रहता है ना। सिक्रीशन बाय सिक्रीटेड म्यूकस ग्लैंड, है ना, म्यूकस जो है वो क्या है, एक तरह का चिपचिपा जो द्रव है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, म्यूकस ग्लैंड से, ठीक है बच्चों। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेशन के यहाँ पर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और अपना ऑक्सीजन उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो है वो पहले डिजॉल्व होता है, है ना, और मॉइस्चर में प्रेजेंट जो बॉडी है वो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। और ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज में, है ना। और लास्ट में क्या होता है, जो CO2 जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, मिश्रण प्रक्रिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ब्लड रहता है उसमें फ्रॉग के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है पाया जाता है, श्वसन करने के लिए एक बंधन जो है, श्वसन बंधन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में बल जुड़ता है तब बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तब क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। थैंक यू, ठीक है।
तो इनको जो लाइनिंग है, अगर आप यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, ये है बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, है ना, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। जो म्यूकस की लाइनिंग होती है बकल कैविटी में, बकल मतलब बकल वर्ड यूज होता है माउथ के लिए, ओरल कैविटी के लिए यूज होता है बकल वर्ड। तो बकल कैविटी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड सप्लाई और ब्लड कैविटीज वो पाई जाती है, और म्यूकस के थ्रू ये क्या रहता है, नम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फ्लोर रहता है, सतह रहता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है, और जो एयर है वो बकल कैविटी के थ्रू क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल नेस से होता हुआ यहाँ पर आता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है ना। और बचा हुआ जो है रेसिडुअल जो बचा हुआ है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाया है। ठीक है बच्चों, अब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा स्किन के थ्रू होता है, दूसरा बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन होता है, यह ट्रॉक का ही रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, और ब्लड से इंपॉर्टेंट चीज रेस्पिरेशन बाय लंग्स है ना। तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स जो एम्फीबिया में होता है, लंग्स जो है ट्रॉक में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, बट इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी है, और ये क्या करता है ट्रॉक को पानी में फैलने के लिए क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है, इस तरह से देखा जाए ना बच्चों। और इसका जो लोब रहता है एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, और यहाँ पे और ये कैसे रहते हैं ओवाइड शेप रहते हैं, शेप उनका कैसा रहता है, लंग्स ओवाइड रहता है, थिन वॉल रहती है, पतली भित्ती रहती है, और इलास्टिक शेप इलास्टिक सेट रहते हैं, इलास्टिक मतलब प्लास्टिक से बीच में प्रेजेंट रहता है, और शैलो इंटरनल पोर्स में ये कवर रहते हैं, और इसमें भी अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना, और एक दूसरे के लिए सेपरेट होते हैं। देखिए बच्चों ये इसका एक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, ये है मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कभी भी जब हम लंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आप हमेशा याद रखें पल्मोनरी जो वर्ड है ये लंग से भी बिलोंग करता है, एक होगा पल्मोनरी याद करने का तरीका होता है, एक मेन याद रखे आर्टिक, दोनों में पल्मोनरी के कॉमन ही है। ठीक है, ये होगा आर्टिक और ये वर्ड है मेन। ठीक है, और ये दोनों लंग्स जो है हमको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये लंग्स है, और लंग्स जो है ये उसके माउथ के नीचे का जो पोर्शन है ब्रोंकस है, ये वाला लैरिंग्स का पोर्शन है, और ये ब्रोंकस जो है ब्रोंकस डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, है ना, और जो स्मॉल जो आखिरी प्रक्रिया के बाद का जस्ट डिवीजन होता है वो है अपना हाइड्रोलाइट, है ना। लंग्स का जो लास्ट बल्ब लाइक सेल है स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है एयर जो है अंदर आती है और एयर जो है कहीं ना कहीं बाहर निकलती है, तो बकल कैविटी है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो मसल्स है ना, समथिंग कुछ जैसे कुछ मसल्स है जैसे कोरेकॉइड है और क्लेविकल है, ये यहाँ पे लोकेटेड रहते हैं बकल कैविटी के पास में, है ना। और ये भी जो मसल है ये क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, और हाइलाइट ऑपरेटर्स जो है उसके साथ फ्लोर में ये बकल कैविटी को क्या करते हैं पुल करते हैं डाउनवर्ड करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप रेस्पिरेशन देखेंगे बच्चों, ये देखिए है ना, जब यहाँ पे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है तो किस तरह से इसका लंग्स जो है यहाँ पे आपको जो यहाँ से अभी ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे लंग्स जो है ये आपको थोड़ा सा स्वेल दिख रहा है खुला हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, और ये जो है यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा नॉस्ट्रिल, देखिएगा नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है वो अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लगा हुआ जो पोर्शन है ये इसका लंग्स है, है ना। और किस तरह से देखिए थायरॉइड बोन जो है ओपन करने के लिए इसका मसल है, थायरॉइड इसका मसल अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप बोन्स किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू स्टेज और मसल किस तरह से इन्वॉल्व है ना। और यहाँ पे दो स्टेजेस दिखाई दे रही है रेस्पिरेशन की, जो कि यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये है लंग्स ऑफ रेक्टाइल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।